अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तीन मज़े मज़े के सैंडविच शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को लंच में बना कर दे सकते हैं और शाम को चाय के साथ बना सकते हैं। बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेजिटेबल को चॉप कर रही हूँ। इसमें मैं गाजर को जूलियन कश में निकाल रही हूँ। इस तरह से गाजर को बारीक चॉप करना आसान हो जाता है। तो पहले मैं इसको कश में निकाल लूँगी और फिर मैं इस तरह से इसको बारीक चॉप कर लूँगी। शिमला मिर्च को भी बहुत बारीक बारीक हमने चॉप कर लेना है। अगर आपके पास शिमला मिर्च और गाजर नहीं है तो इसकी जगह आप प्याज, टमाटर और बंद गोभी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अंडा ले रही हूँ। अंडे में हमने डालना है 2 से 3 टेबल स्पून जो वेजिटेबल हमने चॉप की थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा नमक इसमें डालना है और थोड़ी सी लाल मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। ये डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। अब तवे को हम ग्रीस कर लेंगे और ये जो हमने एग का बैटर तैयार किया है ये हम तवे पर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। बैटर को फैलाने के बाद इस पर हम ब्रेड के स्लाइस रखेंगे। ब्रेड के साइड्स काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से ही रख दें और फिर इसको हम स्लाइस को टर्न कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 सेकंड बाद हम इसको ऑमलेट को, जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर हम इसको टर्न करेंगे और साथ ही हम ब्रेड के स्लाइस को भी टर्न कर लेंगे। अब हम ऑमलेट की साइड्स को फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इसके अंदर हम चीज़ के स्लाइस रख देंगे और फिर टमाटर के स्लाइस रखेंगे और उसके बाद हम इसमें रखेंगे सलाद के पत्ते या फिर बंद गोभी। टमाटर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही यम्मी और बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सैंडविच की तरफ। यहाँ पर मैं बॉयल चिकन को बारीक बारीक क्यूब में काट रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बस नॉर्मल से क्यूब्स में काट लीजिएगा। ये बॉयल एग है, इसके गोल गोल हमने स्लाइस कर लेने हैं। अब बंद गोभी को हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे और ब्रेड के हम साइड्स काट लेंगे। अब एक स्लाइस पर हम मेयोनीज लगाएंगे और जो दो स्लाइस हैं उस पर हम लगाएंगे चिली गार्लिक मेयोनीज सॉस। ये मैंने ख़ुद तैयार किया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ईजी है, 2-4 इन्ग्रीडियंट से ये तैयार हो जाती है। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले रखेंगे एग के स्लाइस और फिर उसके बाद हम इस पर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख देंगे। अब हम इस पर रखेंगे चिकन के पीसेस और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हॉट सॉस। अगर आपने स्पाइसी बनाने हैं तो ये सॉस डाल लें, अगर आपने स्पाइसी नहीं बनाने हैं तो ये स्किप कर दें और इसकी जगह आप ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बंद गोभी और फिर हम ब्रेड का स्लाइस रख देंगे और बस इसको कटिंग कर लेंगे। इन सैंडविचेस को आप बनाकर 6 घंटे के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आप खाएंगे तो बिल्कुल आपको फ्रेश लगेंगे। लेकिन आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में रखना है या फिर आपने इसको रैपिंग शीट से कवर कर लेना है, क्योंकि अगर ब्रेड ड्राई हो जाएगी तो फिर ये बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सैंडविच की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रेड की साइड्स काट रही हूँ और ये मेरे पास बॉयल एग है। इसकी मैंने जर्दी निकाल दी है और वाइट पार्ट इसका मैंने अलग कर दिया है। अब जो वाइट पार्ट है इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बंद गोभी को भी इसी तरह बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास गाजर है तो आप वो भी बारीक चॉप कर लें। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर होनी चाहिए सारी वेजिटेबल्स। अब जो हमने अंडे की जर्दी ली थी इसको हम बारीक चूरा कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे मेयोनीज 3 टेबल स्पून। काली मिर्ची इसमें डालेंगे 1/2 टी स्पून और बॉयल चिकन जिसकी मैंने बारीक रेशे कर ली है वो इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून और चॉप की हुई वेजिटेबल्स और जो एग वाइट हमने चॉप की थी वो इसमें डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और अपने स्लाइस पर लगा लेंगे। इस मिक्सचर को आप 1 दिन के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा अगर इसको रखेंगे तो ये मिक्सचर पतला हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो फिर आप वेजिटेबल को ऐड नहीं कीजिएगा। जब आपने सैंडविच बनाने हो तो तब आप ऐड कीजिएगा। और सैंडविच को जो है हम 6 से 8 घंटे के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं।
लेकिन बस इसको भी आपने इसी तरह रखना है कि एयर टाइट बॉक्स में रखना है या फिर आपने इसको किसी रैपिंग शीट से कवर कर देना है। तो कैसी लगी आपको सैंडविच की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।